get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. Hello, दोस्तों, इस समय हम निजामुद्दीन मरकज के सामने हैं। ये जो देख रहे हैं आप ऊंची सी बिल्डिंग, ये दिल्ली का मरकज है और इसे निजामुद्दीन मरकज के भी नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आज जुमा है, तो आज हम मरकज में जुमा पढ़ने आए हैं। दोस्तों ये मरकज ऑल इंडिया मरकज है, मतलब ऑल इंडिया मरकज मतलब पूरे देश में भाग में जितनी भी जमात, अगर 40 दिन का 4 महीना की या कहीं फॉर्म जमात जा रही तो सबसे पहले इसी मरकज में आएगी। तो ज़्यादातर जो जमात फॉरन जा रही है तो कंडीशन है वो यहाँ आएगा ही, बाकी ये लोग यहाँ पर तय करते हैं कि उनको कहाँ भेजना है, कहाँ जाना है। और अगर कोई भी जमात बाहर से आ रही है, अगर विदेश से कोई भी जमात आ रही तो सबसे पहले वो इसी मरकज में आएगी। मरकज वाले ये तय करते हैं कि उनको इंडिया में कहाँ पर भेजना है, कैसे भेजना है। तो दोस्तों चल रहे हैं, अब हम अभी जुमा का समय हो रहा है, नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ के आते हैं। तो दोस्तों मैं नमाज़ पढ़ के बाहर आ गया हूँ और दोस्तों हम काफ़ी खुश हैं, और खुशी के कारण दो हैं। पहला कारण ये है कि जो मस्जिद के जो इमाम हैं हजरत मौलाना साद साहब, हमने उनके साथ नमाज़ पढ़ी। और दूसरा सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि हमने उनसे मतलब हाथ मिलाया, उनसे दुआ सलाम की। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात इसलिए क्योंकि ये जो मरकज़ है, इस मरकज़ की इमामत वही करते हैं। अब हजरत मौलाना साद साहब क्या हैं, तो हमारे मुस्लिम हैं तो बाखूबी जानते होंगे उनका क्या मरतबा है, वो क्या है। तो दोस्तों वो ये जो मरकज़ हैं उसमें यहाँ पर वो नमाज़ पढ़ाते हैं, यहाँ की इमामत करते हैं, और हम उनसे मिले, उनसे मुसाफा के दुआ सलाम के, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय हमारे पीछे ये गालिब गैलरी है, ये एकदम पास में है, तो हम चलते हैं अंदर, देखते हैं इसके अंदर क्या है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारी कब्र बनी हुई हैं, अबे दोस्तों पता नहीं किन की हैं, हालांकि इन पर नाम लिखे हुए हैं लेकिन उर्दू में लिखे हुए हैं, जो कि हमें आता नहीं है। लेकिन ये यहाँ पर मिर्ज़ा गालिब की नहीं है, मिर्ज़ा गालिब के अंदर अभी चल के हम आपको दिखा रहे हैं। ये दोस्तों बहुत सारे लोगों की यहाँ पर कब्र बनी हुई है, तो चलते हैं दोस्तों मिर्ज़ा गालिब की कब्र हम लोग देखते हैं, जो हमारा मेन मोटिव है मिर्ज़ा गालिब की कब्र हम देखने आए हैं। वैसे दोस्तों ऐसा तो कोई है नहीं जो मिर्ज़ा गालिब को ना जानता हो, फिर भी दोस्तों बता दें इनका पूरा नाम असदुल्लाह बेग खान था। इनका जन्म 1797 ईस्वी में आगरा में हुआ था, और इनकी मृत्यु 1869 ईस्वी में हुई थी। और दोस्तों ये आखिरी मुग़ल बादशाह थे, बहादुर शाह जफर, उनके दरबारी कवि थे। इनकी मृत्यु दिल्ली में, आगरा से दिल्ली आए थे। कहा जाता है इनको दिल्ली इतना अच्छा लगा, ये यहाँ आकर बस गए। दोस्तों जैसा देख रहे हैं ये जो हमारे पीछे दिख रही है मिर्ज़ा गालिब की कब्र है, ये दोस्तों ये मिर्ज़ा गालिब की कब्र है, देखिए आप। तो ये हमारे भाई साहब महाराज से आए हैं और काफ़ी बड़े गालिब के फ़ैन हैं, गालिब को बहुत पढ़ा है, तो हम आपसे पूछना चाहेंगे आप गालिब के बारे में ऐसा क्या पढ़े, क्या देखे कि आप गालिब के इतने बड़े फ़ैन, वहाँ से महाराज से आप सिर्फ गालिब को ही देखने आए, गालिब की मज़ार पर आए, कुछ बताइएगा गालिब के बारे में। गालिब के ताल्लुक से कुछ कहना,
یوں ہے کہ آفتاب کو دیا بتانے کے برابر ہے، کیونکہ غالب غالب تھا نہیں، غالب ہے، غالب ہے، غالب دنیا کا واحد شاعر ہے جو اپنے آپ میں غالب کا ایک رعب، یا غالب نے اپنی عظمت کو کس طرح منوایا، ہم اگرچہ آپ کو اس کو جاننا چاہیں تو اس طرح اس پہلو کو دیکھ کر بھی جان سکتے ہیں کہ غالب ایک واحد شاعر ہے جس کے تخلص کو اختیار کرنے سے بھی کتراتے ہیں لوگ. لوگوں نے اقبال کا تخلص اختیار کیا، شعرا نے. کوئی ایسا شعر جو آپ کو بہت اچھا لگتا ہو؟ غالب کا کون سا شعر اچھا نہیں لگتا یہ پوچھیے آپ. غالب کے شعر سناتا ہوں میں آپ کو. غالب نے کیا کمال کے شعر کہے غالب نے، کہ بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں. غالب کہتے ہیں کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، ہاں نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا کیا ہوتا. یہ بھی غالب، غالب کا ہم بھی بہت پڑھے لکھے یاد نہیں. ارے غالب ہر جگہ، غالب نے خود غالب کی عظمت کو لوگوں نے ان کی زندگی میں بھلے ہی نہیں مانا شروعاتی دور میں. غالب ایک ایسے شاعر ہے جنہوں نے شروعات مشکل پسند شعرا کے فہرست میں داخل ہو کر کی، کیونکہ غالب نے شروعات اپنی شاعری کی جب کی تو مشکل شعر کہتے تھے. کیونکہ آپ لوگ غالب کو کافی پڑھتے ہیں؟ ہاں بالکل بالکل. غالب جب آسانی کی طرف آئے تو دنیا کو یاد رہ گئے، اور یہ یاد ہمیشہ رہے گئے تا قیامت. غالب کے لیے، غالب کے مزار پر ہیں تو غالب کے لیے ایک شعر، غالب صاحب کی یاد میں ایک شعر یہ پڑھنا چاہوں گا کہ وہ بادہ شبانہ کی سرمستیاں کہاں، وہ بادہ شبانہ کی سرمستیاں کہاں، اٹھی ہے بسپ کے لذت خواب سحر گئی. تو اب دوستوں ہم اپنے گھر آ گئے ہیں، اور آپ لوگ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک کریے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں. ملتے ہیں آپ لوگوں کو ہم اپنے اگلے ویڈیو میں، تب تک لیے بائے بائے.